टू ऑल ऑफ यू। आज हम फिर से एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये टॉपिक का पार्ट वन हमने डिस्कस किया था, आज हमने इसमें थोड़ा सा नया चीज ऐड करेंगे और इसमें सीखेंगे कि ये कैसे चीजें। मैं कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन चुनकर लाया हूँ और आपको सॉल्यूशन करने में उसका समझने में मदद करेगा। सबसे पहले हम इसे जो देख रहे हैं उसका नाम है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन जो हम कर रहे थे इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो देख रहे थे उसी को आगे बढ़ाएंगे। इसमें एक चीज आता है, पूछा जाता है बच्चों से कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। इसके कई मेथड होते हैं निकालने के। मान लीजिए अगर पूछा जाता है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड तो आज सबको एक साथ कवर करना संभव नहीं था, तो आज सब्स्टिट्यूशन मेथड लेके आए हैं आपके लिए कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम कैसे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं और बिना किसी परेशानी के। मान लीजिए हम इसमें बेसिक से लेकर हाई स्टैंडर्ड पर जाने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन दिया जाता है, कुछ ऐसा दे दिया जाता है कि एक्स, मान लीजिए पहले सबसे सिंपल देखते हैं कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14, ये एक इक्वेशन दे दिया था। और इसके साथ साथ दूसरा दे दिया था, मान लीजिए एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का दोस्त इसीलिए उठाया क्योंकि बच्चों को एनसीईआरटी से प्रॉब्लम आ रही है, तो उसी से सॉर्ट आउट करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप देखें, आसानी से इलिमिनेशन मेथड से किया जा सकता है। ये इक्वेशन वन माने, ये इसे टू माने। इक्वेशन इलिमिनेशन मेथड से किया जा सकता है बहुत इजीली, लेकिन आपको बोला गया है सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने के लिए। तो आप किसी एक इक्वेशन को उठाएं, एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू 14 गिवन हियर। सो लुक हियर, इफ यू विल डू एक्स इक्वल टू, देन व्हाट विल हैपन, 14 एंड दिस वाई विल टर्न दिस साइड अपोजिट, इट विल क्रॉस द इक्वल सिंबल एंड इट विल बी हियर माइनस। तो ये माइनस के साथ होगा, जब भी कोई एक्स सिंबल जो है अपना इक्वल टू को छोड़कर इस तरफ से आता है, तो उसे ये वाई हो जाता है, यहाँ पे माइनस में हो गया। कोई भी डिजिट है उसे सिंबल चेंज करना पड़ जाता है। ये हो गया हमारा मान लीजिए थर्ड इक्वेशन। अब हम लिखेंगे यहाँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन वन टू, जिसमें आप चाहें तो आप लिख रहे हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन वन या टू, जो भी है। अगर आपने लिखा कि हम टू में कर रहे हैं, तो टू इक्वेशन यही है इक्वल टू 4। अब एक्स बराबर क्या है, 14 माइनस वाई लाए हैं, तो वो लिख देंगे। वाई बराबर 4 हो गया। अब गौर से देखें तो ये यहाँ पे 14 है और ये दोनों जुड़कर 2y हो गया। इसको उधर से इधर लाएंगे, फिर से वही बात हो जाएगी, इट इज गोइंग टू क्रॉस दिस इक्वल टू एंड देन इट विल हैव टू चेंज अगेन इट्स साइन एंड विच इज हियर इज इन प्लस, इट विल टर्न इनटू देयर इनटू माइनस अगेन दिस। सो ये 2y इक्वल टू यहाँ निकल कर आता -10, ये कट गया। y इज इक्वल टू 10/2 विच इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो y इक्वल टू जो है 5 हो गया। ये 5 हम पुट करेंगे नेक्स्ट हमारा जो है फाइंड करने के लिए इसमें। नाउ यहाँ एक और बात लिखनी पड़ेगी कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन था ये इक्वेशन थर्ड था, तो थर्ड लिख लेंगे यहाँ पे। और इक्वेशन थर्ड यही था कि x इक्वल टू 14 और माइनस y निकला है 5, तो ये x इक्वल टू निकल कर आया 9। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। ये काफी बढ़िया से समझा जा सकता है कि इससे हम कैसे जो ना निकाल सकते हैं यहाँ से। धीरे धीरे ये चीजें कॉम्प्लेक्स होगा, उसके ऊपर हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज प्योरली डिस्कशन जो है आज का वो लिमिटेड टू है सब्स्टिट्यूशन पर, इसीलिए पूरा सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ लेंगे। अगर इसके अलावा भी कुछ रहता है हायर लेवल के क्वेश्चन, तो उसे देखते हैं कि किस तरह से ब्रेक किया जा सकता है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से दे दिया जाता है, ये s माइनस 2 इक्वल टू, मान लीजिए कुछ समथिंग दे दिया है 3। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये। फिर उसके बाद दे दिया जाता है s अपॉन, फिर से अगर हम देखें मान लीजिए कुछ 3 दे दिया, और कुछ हद तक इसी तरह से क्वेश्चन है सॉल्यूशन
इसी तरह से कुछ इस तरह से इसका अगर हम देखें तो टी अपॉन, शायद टी अपॉन कुछ ऐसा दिया हुआ है जहाँ पे टी अपॉन टू और शायद सिक्स, ये कुछ ऐसे इसके बराबर क्वेश्चन दिया हुआ। अगर ये क्वेश्चन इस ढंग से है, चाहे कोई भी हो, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सीखना है, अगर ये एनसीईआरटी से नहीं भी मैच होता है तो भी आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं अगर इस तरह से सवाल दे दिया जाए तो क्या होता है। ये अगेन हमारा इक्वेशन वन एंड टू हो गया। इक्वेशन वन जो है ना बहुत ही ईजी लग रहा है, तो ईजी उठाते हैं इक्वेशन एस को, यानी फर्स्ट को एस माइनस टी इक्वल टू थ्री दिया है, तो यहाँ पे अगर s इक्वल टू करेंगे तो ये 3 प्लस टी हो जाएगा और ये हमारा थर्ड इक्वेशन निकल कर आया। इसको हम पुट करेंगे, नाउ यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन। अब इक्वेशन अगर s फर्स्ट से निकाला तो फर्स्ट में नहीं सेकेंड में पुट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो सबसे पहले जो इक्वेशन दिया है वो लिखते हैं, एस अपॉन थ्री माइनस टी अपॉन टू विच इज इक्वल टू सिक्स, ठीक है। अगर हम देखें तो यहाँ से एस का जो वैल्यू है उसे लिखते हैं, थ्री प्लस टी अपॉन थ्री हो गया और माइनस टी अपॉन टू विच इज इक्वल टू सिक्स। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये दोनों टी है तो इसका एलसीएम होगा सिक्स, और ये थ्री से टू हुआ, थ्री ने डिवाइड किया सिक्स को टू चांस, टू इस पूरे फैमिली से मल्टीप्लाई होगा, सिक्स प्लस टू टी, और यहाँ से माइनस था, ये सिंबल माइनस डाल दिए, इसने फिर से थ्री चांस डिवाइड किया, ये बन गया थ्री टी, ठीक है, और ये आ गया सिक्स। अगर हम देखें तो यहाँ से अगर हम देखें क्या बच रहा है, तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक टी निकल कर आ रहा है यहाँ पे। अगर हम देखें सिक्स प्लस, ये एक सीधा सीधा प्लस में नहीं माइनस में है, ये थ्री टी का एक पार्टनर टी बचा हुआ, क्योंकि टू टी और थ्री टी आपस में सब्सट्रैक्ट हो गया, और नीचे में अपॉन सिक्स है विच इज इक्वल टू सिक्स। अगर हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा लेके निकल के आए कि जैसे कि यहाँ सिक्स माइनस टी है अपॉन सिक्स इक्वल टू है सिक्स, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है सिक्स माइनस टी इक्वल टू थर्टी सिक्स, और ये माइनस टी इक्वल टू निकल कर आता है थर्टी सिक्स, और ये इधर से आ जाता है इस तरफ में, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, ये फिर माइनस सिक्स, और ये टी बराबर निकल कर आता है कितना, थर्टी माइनस में, वो भी क्योंकि ये माइनस इसके साथ रहेगा। ये हमारा कुछ टी से रिलेटेड आता है। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है, देखते हैं, बहुत बड़ा सॉल्यूशन आया है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो एस माइनस टी इक्वल टू थ्री है, तो एस इक्वल टू टी और ये प्लस में जाकर उधर थ्री हो, ये टी उधर जाके थ्री के साथ प्लस हो गया, तो एस जहाँ दिया हुआ वहाँ पे हम थ्री प्लस टी पुट कर सकते हैं, तो थ्री प्लस टी हो गया, ये माइनस टी अपॉन टू हो गया इक्वल टू सिक्स हो गया, इन दोनों का एलसीएम सिक्स हुआ, सिक्स ने इसको डिवाइड किया टू चांस में, टू इंटू थ्री सिक्स हो गया, और फिर अगेन ये थ्री इस टी से, ठीक है, टू अगर सॉरी टू अगर देखें तो इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये टू टी हो गया, और ये थ्री इस टू ने इसको डिवाइड किया थ्री चांस में, थ्री से टी मल्टीप्लाई थ्री टी हुआ, अगेन थ्री टी में टू टू चला गया, तो सिर्फ सिंगल टी बचा, सिक्स एज इट इज रह गया, यहाँ पे सिक्स था इसको रहने दिए, ये बना सिक्स। अगर हम देखें इसी को यहाँ सवाल उठा के लाते हैं, ये हो गया, ये सिक्स सिक्स या थर्टी सिक्स हुआ, तो ये मुझे लगता है कि सॉल्यूशन सही है। इसका दूसरा पार्ट आता है, टी इक्वल टू हम किसी में पुट करते हैं, मान लीजिए यहाँ लिखते हैं पुटिंग, अगर देखें पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इन, इस बार इक्वेशन इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है, ये में या किसी एक में भी पुट करें आप जिसमें चाहें, इन मान लीजिए हम इस बार पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है, तो एस माइनस टी इक्वल टू थ्री है फर्स्ट इक्वेशन ये वाला, तो इस बार एस टी निकला हुआ है, एस माइनस यहाँ पे और ये माइनस थर्टी निकल कर आया इक्वल टू थ्री, तो एस इक्वल टू थर्टी, ये थ्री हो गया और इधर से प्लस आकर थर्टी हो गया, तो एस इक्वल टू थर्टी थ्री। देखना यार भाई लोग कि आंसर सही है या नहीं, मैच करना आप लोग, मुझे थोड़ा ये थर्टी के विशाल माइनस में जाने पर थोड़ा डाउट लग रहा है, अगर नहीं तो आप बताना फिर मैं इसे दोबारा करूँगा। आते हैं देखते हैं कौन और क्वेश्चन ये इसी सब्स्टिट्यूशन मेथड का और कैसे पूछे जा सकते हैं, तो ये एक अच्छा लेवल का सवाल पूछा जाता है सब्स्टिट्यूशन करने के लिए, और एक्स और वाई और कोई भी इसमें जो भी इक्वेशन में दिया होगा वेरिएबल्स उसे निकालने के लिए। आते हैं जरा नेक्स्ट देखें क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी से कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही ये भी। अगर हम देखें, अगर मान लीजिए इस तरह से दिया जाता है टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू कुछ ऐसा दे दिया जाता है, सपोज दैट था 11 अगर हम देखें तो, जहाँ तक एक और इसी तरह से अगर देखें कुछ दूसरा सेकेंड इक्वेशन, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया।
अगर हम एक और इक्वेशन की बात करें, मान लीजिए वो है 2x-4y = इस बार -24 है, अगर यहाँ पे ऐसा दिया हुआ, शायद से यही क्वेश्चन, आई थिंक यही क्वेश्चन है जहां तक, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें अगेन हमें एलिमिनेशन मेथड से तो आसानी से निकल जाएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड को फॉलो करते हैं और पहला इक्वेशन उठाते हैं, इस बार दूसरा इक्वेशन उठाते हैं क्योंकि बार बार पहला ही उठा रहे हैं, तो ये सेकेंड इक्वेशन ये है -24, किसी एक को यहाँ आप रखना चाहते हैं रख लीजिए -24, ये इधर जाकर हो जाएगा प्लस में 4y और ये x इक्वल टू हो जाएगा 24 + 4y अपॉन में 2 आ जाएगा, ये यहाँ का 2 जो पार्टनर था, यहाँ कुछ कॉमन बनता है उसे निकाल लेते हैं, x इक्वल टू यहाँ से 2 कॉमन अगर ले लेते हैं तो यहाँ बच जाता है -12 प्लस में यहाँ पे अगर हम देखें 2 और y, इसके साथ साथ ये 2 नीचे वाला था, ये 2 और ये 2 आपस में क्रॉस हो गया, तो x इक्वल टू जो बचा वो बना -12 प्लस में 2y, यही हम सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, दूसरे इक्वेशन में, तो यहाँ फिर से लिखें पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, अगर हमने सेकेंड से निकाला तो फर्स्ट में पुट करेंगे, ये इस बार इक्वेशन सेकेंड लिए थे तो इस बार फर्स्ट में पुट करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन है 2x, अगेन अगर हम देखें तो ये हमारा बन गया थर्ड इक्वेशन, पहले ये लिख लेते हैं एक्स का जो वैल्यू आया, ये थर्ड भी इक्वेशन मान सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है, अब आते हैं फर्स्ट इक्वेशन 2x + 3y था विच इज इक्वल टू 11, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू -12 एंड +2y, ये रहा ठीक है, और ये प्लस में 3y है इक्वल टू 11, इसे क्विकली मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन जाता है 24 + 4y एंड हियर विल बी -3y इज इक्वल टू अगेन 11, 3y, 4y, 7y हो जाता है ये जुड़कर, और ये 11 उधर जाकर प्लस हो जाता है 24, ये 7y जो है ये होता है 4, 1, 5 और 2 और 1, 3 एंड y इक्वल टू 35/7, तो ये निकल कर आता है 5, तो ये हमारा y आ गया, y का वैल्यू हम पुट करेंगे जो इसमें आया है या इन दोनों में जिसकी आपकी मर्जी है, नाउ यहाँ पे लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है, थर्ड इक्वेशन है x इक्वल टू -12 प्लस में 2y, ठीक है, क्या वैल्यू निकला है, x निकालना है -12 आया है हमारा y है तो 2 × y विच इज इक्वल टू 5, x इक्वल टू -12 प्लस में 10, x निकल कर आता -2, ठीक है, तो ये भाई एक सॉल्यूशन निकल कर आता है, ये आप जरा इसको भी देखें कि कैसे इस तरह से किया जा सकता है, क्या इसका सॉर्ट आउट ये है, आंसर मैच कर लेना आप, देखें ये है या नहीं है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे और क्या सवाल पूछा जा सकता है, ट्विस्ट एंड टर्न के साथ कुछ और सवाल इसमें पॉसिबल है, अगर है तो देखें कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन, तो यहाँ से एक सवाल मान लीजिए कुछ ऐसा दे दिया जाता है, अगर हम देखें जैसे कि 0.2x + 0.3y इक्वल टू कुछ यहाँ पे दे दिया गया, मान लीजिए 1.3 है, ठीक है, दूसरा उसके बाद आते हैं यहाँ से दूसरा इक्वेशन ये है और मान लीजिए यहाँ 0. something क्या मान लीजिए 5 दे दिया गया या कुछ ऐसा जो भी है, अगर देखें तो ये 2.3 के बराबर दे दिया जाता है, ये सबसे पहले 0 देखते ही बच्चों की हालत खराब हो जाते हैं कि इसका क्या करें यार, इसके कई तरह के सॉल्यूशंस हो सकते हैं, अगर आप 0 हटा के सॉल्यूशन चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, वो भी आसान से हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड है किसी एक इक्वेशन को उठाते हैं 0.2x + 0.3y इक्वल टू दिया है 1.3, अगर हम 0.2x रहने देते हैं 1.3 और ये इधर जाकर 0.3y हो जाता है, ठीक है, और अगेन x इक्वल टू अगर हम देखें तो 1.3 - 0.3y और डिवाइड यहाँ हो जाता है 0.2, ये हो जाता है, ठीक है, अगर ये आपको आ पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं इसका डेसिमल को हटा के करूँ, जैसे कि 1.3 को हम लिख सकते हैं 10, तो ये बन जाएगा 13/10, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा, अगर उस बेसिस पे आप चाहते हैं तो वो भी लिखा जा सकता है, लेकिन चाहते हैं सवाल जेन्युइन रहे और इसी से सॉल्यूशन निकले तो यहाँ से आते हैं, ये हमारा थर्ड इक्वेशन निकल कर आया, ये फर्स्ट था, ये सेकेंड और ये थर्ड,
ये हम वैल्यू किसी एक में पुट करेंगे, ठीक है। मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन पुटिंग द वैल्यू लिखेंगे यहाँ, पुटिंग द वैल्यू, बाकी आप जानते हो, ठीक है। और 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 है दिया हुआ, ठीक है। x की जगह पे जो भी चीज़ है उसे लिखते हैं, 0.2 अगर हम देखें, और यहाँ से x के बराबर दिया है 1.3 माइनस 0.3y और ये दिया है 0.2, ठीक है। सबसे पहले तो इस फसाद की जड़ को हटा देते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में यहाँ मल्टीप्लाई थे, ये डिवाइड था, इसका काम तमाम हो गया, एक बड़ी मुसीबत टल गई। यहाँ से आते हैं, इसको 0.3y को लेते हैं और ये 1.3 है, तो जो बचा है ना वो यही बचा है कि जीरो, ये तो माइनस है, 0.3y, 0.3y, ये दोनों तो कट कर जीरो हो जाएगा, ऐसे तो फिर सवाल ही खत्म हो जाएगा, कहीं साइन की प्रॉब्लम आई है। पहला इक्वेशन उठाए थे यहाँ 2x प्लस 0.3y विच इज इक्वल टू 1.3, 2x अगर करेंगे, ठीक है, तो 1.3, हाँ नहीं नहीं माय मिस्टेक यार, ये 0.3 है और ये 0.3 है, ये दोनों आकर कटेगा तो फिर बहुत बड़ी समस्या है। ये 0.3x के जगह हमने ये लिखा, ठीक, x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y एन अपॉन 0.2 हो गया। इसको पुट कर दिए किसमें, इसको पुट कर दिए किसमें, अगर देखें इसको पुट हो गया 0.2x प्लस 0.3y। ओहो थोड़ी सी ये मिस्टेक हुई कि हमने लिया इक्वेशन वन को और पुट कर दिया वैल्यू वन में ही, इसीलिए समस्या पैदा हुई, इसको हम नहीं लेंगे। अगर हमने लिया है इक्वेशन निकाला फर्स्ट से, तो हमें लेना पड़ेगा सेकेंड इक्वेशन को, तो सेकेंड इक्वेशन पहले जो दिया है वो लेते हैं। ये हो गया 0.5 इक्वल टू 2.3, ये माइंड में नहीं रहा कि हमने इक्वेशन निकाला फर्स्ट से, ये वाली इक्वेशन जो ना फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, अब ये वाली इक्वेशन देखो, फर्स्ट इक्वेशन है ये, फर्स्ट इक्वेशन से ही हमने x निकाला और x को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, तो ये तो होने वाला नहीं है। सबसे पहले यहाँ पुट करते हैं 0.4 अगर देखें, और मल्टीप्लाई बाय 1. अगर हम देखें 3 माइनस x का वैल्यू पुट कर रहे हैं 0.3y, और अगेन यहाँ 0.2 हो गया, प्लस में 0.5 यहाँ y रहेगा, ठीक है, y एनी हाउ यहाँ y भी छूटा हुआ शिट, तो यहाँ y, हाँ यहाँ भी y रहेगा, यहाँ भी y होगा, और ये बना 2.3, ठीक है। तो ये दोनों ना सिमिलर है, इसको काटेगा 2 चांस में, ठीक है। सबसे पहले इसे निकालते हैं, इसे मल्टीप्लाई करके लिखा जा सकता है 2.6, 3 2 6 और 2 2 2 1 2, और ये बन गया 0.6y प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। थोड़ा सा इसको ऊपर ले आते हैं ताकि सॉल्यूशन ये हो, ये दोनों मिलकर 0.6 और 0.5y दोनों में है, ठीक है, अगर देखें, और इक्वल टू है ये किसके बराबर, नहीं ये माइनस में है, प्लस में नहीं, ये देखो 0.6y और 0.5y एक माइनस में है, तो ये बन जाएगा क्या, अगर देखें दोनों मिलकर 0.1y बन जाएगा अगर देखें, और ये बन जाएगा इधर 2.3 और ये माइनस में 2.6 अगर हम देखें, तो ये सिंबल इसका यहाँ पे बड़ा माइनस था, तो यहाँ भी माइनस होगा, ये 6 बड़ा है 0.6, क्या इसका निकलता है 0.1y अगर देखें माइनस में, इधर निकल कर अगर देखें तो 2 खत्म, यहाँ 0.3 बचता है, अब ये भी माइनस में होगा क्योंकि ये माइनस है, ठीक है, तो ये माइनस माइनस सबसे पहले ख़त्म, y इज इक्वल टू 0.3 और 0.1, तो ये पॉइंट कैंसिल 1 से 3, तो y निकल कर आता है 3 के बराबर, ठीक है, y निकल कर आता है 3 के बराबर। मैं यार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ भाई, ये थोड़ा पॉइंट वाला है तो कहीं ज़्यादा समस्या ना हो जाए। क्वेश्चन दिया था 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, फिर 0.4x प्लस 0.4y इक्वल टू 2.3, ये दो क्वेश्चन दिए हुए थे, इनमें से सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू से सीख रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है तो पहला इक्वेशन उठाते हैं 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 है, इनमें से हम x इक्वल टू अगर ये करें तो ये पूरा जो पार्टनर है y3y का, ये इसके पीछे जाके माइनस हो जाएगा, इधर प्लस में था, और x इक्वल टू करेंगे तो इसी को डिवाइड करता है 0.2, तो हमने लिखा फिर उसके बाद पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पहले गलती ये हो गई थी कि हमने पहले में ही पुट कर दिया था,
वो नहीं करना था। तो फिर दूसरे में हम पुट करते हैं, दूसरा इक्वेशन है ये पूरा दिख रहा है आपको, इसमें हमने पुट कर दिया x इक्वल टू ये वाला जो आया हुआ था। ये यहाँ से बस एक छोटा सा इक्वेशन कैलकुलेशन हुआ है कि 0.2 और 0.4 टू चांस में कटेगा। कई बार बच्चे इसको लिख देते हैं 0.2, जो कि गलत करता है सवाल को, क्योंकि ये खुद 0.2 है, ये जब 0.4 को काटेगा तो टू चांस में काटेगा, ना बल्कि 0.2 में। तो ये फिर इससे मल्टीप्लाई होता है 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2, और ये फिर मल्टीप्लाई हो जाता है 3 × 2 = 6, 0.6 वाई हो गया। यहाँ एज इट इज़ ये एज इट इज़ है, यहाँ ये माइनस ये प्लस है, दोनों सब्सट्रैक्ट होकर हो गया 0.1 वाई, माइनस 6 जो ना बड़ा है 0.5 से, इसलिए उसका सिंबल लिया माइनस। इधर आया 2.3 और ये आया माइनस में 2.6, ये दोनों इधर ये प्लस में था तो उधर जाकर ये माइनस हुआ सब्सट्रैक्ट, और ये भी अपना सिंबल इसको साथ देता है 0.3। ये दोनों पॉइंट माइनस माइनस खत्म हो गए, वाई से 1 3 में थ्री चांस में कटता है। ठीक है, अब यहाँ से हमारा आता है नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम एक्स कैसे निकालें। आप यहाँ जगह कम थोड़ा बन रहा है, आप लिख लोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ 3 इन इक्वेशन 3, मैं 3 में पुट कर रहा हूँ इन इक्वेशन 3। ठीक है, इन इक्वेशन 3 में है 1.3 माइनस 0.3, और वाई की जगह हम डायरेक्ट लिखना, चलो एक बार और लिख देते हैं। ठीक है, और अपॉन में दिया हुआ 0.2 है। यहाँ से अगर देखें 1.3 माइनस 0.3 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये 0.1 2 यस, यहाँ थोड़ा सा ऊपर लेके आते हैं 1.3 और ये बन जाता है 0. अगेन 3 × 3 = 9 बनेगा। ठीक है, 0.3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, और ये बना कितना 0.2। यहाँ से अगर कटेगा ये, ठीक है, ये कितना निकलेगा अगेन 1.3 और 9 अगर सब्सट्रैक्ट होगा आपस में अगर देखो तो ये बना कितना 4 बनेगा। ठीक है, तो ये मत लिख देना डायरेक्ट 4 क्योंकि ये बनेगा 0.4, क्योंकि सब में 1 1 डिजिट पे पॉइंट है, ये आपस में डायरेक्ट कटेगा 2 2 = 4। ठीक है, तो ये मत करना 0.2 लिखना क्योंकि यहाँ से ये पॉइंट खत्म, ये पॉइंट खत्म, ये सब खत्म, 4/2 होगा और ये कटकर 2 आएगा। ये एक आंसर है, ये अच्छा सा क्वेश्चन है, आई थिंक बहुत बढ़िया लेवल का। आई होप कि ये आपको समझ में आया हो, काफ़ी डिसेंट लेवल का ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो अपने बेसिक्स को इस पे बढ़िया कर लें, ये आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से देखें, ठीक है, एक और कुछ क्वेश्चन बनता है तो उसे देख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले ये आपको समझ में आ गया होगा, बस ये ध्यान रहे कि थोड़ा डेसिमल्स दिए होते हैं तो डेसिमल्स में ना मिस ना करें, इन इधर उधर की चीज़ों को कन्फ्यूज ना हो। आते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, जैसे मान लीजिए इस बार दे दिए गया √2x + √3y = 0, ये भी NCERT का ही क्वेश्चन है। उसके बाद है यहाँ पे √3x - √8y, ये दे दिया है 0, ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है तो उठाते हैं √2x पहले इक्वेशन को प्लस √3y = 0। अगर √3y करें तो ये 0 - √2x ये बन गया। ठीक है, यहाँ पे और y = करें तो 0 - √2x / यहाँ पे √2 हो गया। यार ये तो आंसर 0 होगा, ये तो कुछ 0 में से √2x कुछ हो ही नहीं सकता। ओ भाई, अगर इसका कोई और तरीका निकालें, 0 निकल कर आता, अगर वाई 0 होगा, वाई इसमें 0 पुट करेंगे तो ये 0 होगा फिर, यानी वाई अगर पहले से उठाया तो इसमें अगर 0 पुट करते हैं तो ये पूरा 0 हो गया, ये 0 उधर जाएगा तो ये भी 0 होगा, फिर 0 में ये सब्सट्रैक्ट होगा तो फिर ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि इसका एक्स और वाई दोनों 0 है क्या? सॉल्यूशन तो कुछ बनेगा फिर नहीं। हाँ, अच्छा इसको दूसरे मेथड से करके देखें कि क्या इसका एक्स और वाई दोनों 0 आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन से तो 0 आ रहा है। अगर हम इसको एलिमिनेशन मेथड से करें और इसमें 8 मल्टीप्लाई करें, इसमें और 3 कर देते हैं, ठीक है, √8 और √3, तो ये बन जाता क्या √16x, और ये क्या बनता है √24y, और ये बनता है 0, इसका आ जाता है √9x, और ये बन जाता है अगेन माइनस में √24y, एंड अगेन ये बनता है 0, तो ये दोनों कट गया और ये बना क्या √4x को हम 16 को 4x लिख सकते हैं प्लस 3x, और ये बना क्या 0,
9 और 4 और 3 7 x हो गया इक्वल टू 0 x इक्वल टू ओह शिट इसका आंसर ही 0 है भाई, दोनों में सब में 0 ही आ रहा है। तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी देख रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही देख रहे हैं, ये दोनों का वैल्यू पुट करने के बाद 0 है, तो आई थिंक ये 0 ही इसका राइट आंसर है। तो आप इसी सब्स्टिट्यूशन मेथड को फॉलो करते हुए जो निकल कर आया था उसी को आगे बढ़ाएं, उसी से x भी 0 आ जाएगा इसमें जो हमने निकाला।